أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं फरहान अहमद ख़ान सईदी इस दरबार का खादिम और साहिब मज़ार के सज्जादा नशीं और साहबजादे हज़रत क़ाज़ी शाह शफीक अहमद फ़ारूक़ी अल क़ादरी चिश्ती निज़ामी साबरी कलंदरी नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह साकिन जन्नतुल बक़ी का खलीफा मजाज साहिब मज़ार के बारे में दरियाफ़्त किया गया। आपका ताल्लुक़ इंडिया के सूबे यूपी घाटमपुर से है और आपके अजदाद अरब से कालबी शरीफ और कालबी शरीफ से फिर घाटमपुर आपके साहिब मज़ार के वालिद और दादा हुजूर तशरीफ़ लाए और मुस्तकल सकूनियत अख्तियार की। आप काजी के मनसब पर फायज रहे। आपको कादरी सिलसिले की और दीगर सलासिल से खिलाफत और इजाज़त अता की गई और जो आप पर गालिब रंग है वो चिश्तिया निज़ामिया फ़करिया गालिब है। आपको वो खिलाफत वो नेमत साहिब मज़ार की पीर व मुर्शिद हज़रत नूर मोहम्मद महबूब कलंदर नवावली दिल्ली के करीब पंजाब मशरकी पंजाब में आपके पीर व मुर्शिद की दरगाह है। आपने कालपी शरीफ में आकर आपको खिलाफत और इजाज़त अता फरमाई। आपने फरमाया कि मैं आपकी अमानत बरसों से लिए आपको तलाश कर रहा था मौलाना खाजगी जो आपके अजदाद में गुजरे हैं और आपको साहिब मज़ार को हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिल्ली से बातनी खिलाफत बराए रास बातनी खिलाफत आपको अता की गई। जब पाकिस्तान बना तो आप पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए और कराची शहर में आपने सकूनियत अख्तियार की। पहले पाक कॉलोनी में क़याम रहा, उसके बाद आप पापोश नगर के इलाके में तशरीफ़ लाए और आप यहाँ सकूनियत अख्तियार की और आपका विसाल भी यहीं पापोश नगर में हुआ। आपकी दरगाह जो यहाँ पर कायम है आपके साहबजादे सज्जादा नशीं हज़रत महबूब पाक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैह रहमा की दरगाह के नक्शे को अपने जहन में रखते हुए उसी नक्शे के ऊपर उसी तर्ज पर इस खानका को तामीर किया। जो भी इसको देखता है वो यही कहता है कि वो जगह थोड़ी सी बड़ी है और ये जगह थोड़ी सी छोटी है, लेकिन नक्शा बिल्कुल वही है कि जब अंदर दाखिल होंगे तो उल्टे हाथ पर मस्जिद है, सीधे हाथ पर मदरसा और लाइब्रेरी है और बीच में सामने मज़ार अक़दस है और आपके मज़ार अक़दस का गुंबद भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैह रहमा की कापी है। बिल्कुल आपके मज़ार का बिल्कुल नक्शा महबूब पाक के नक्शे के मुताबिक है। आप कराची में सकूनियत अख्तियार की और जब अपने विसाल से पहले अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए तो आपकी कैफियत अजब थी कि आपके मुर्शिद ने जब आपको खिलाफत अता फरमाई थी तो आपको ये दुआ भी अता फरमाई थी कि काजी साहब आप चौदहवीं के चांद की तरह चमकेंगे। जब आप आखिरी दफ़ा अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए, अनीस मुश्तबा ज़ुबैरी जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे अजमेर शरीफ के, उनके मुताबिक जब आप दरबार से ख्वाजा साहब के बाहर आए तो लोगों का एक हुजूम उमड़ आया और सबकी ज़बान पे यही था कि ख्वाजा साहब तशरीफ़ ले आए, ख्वाजा साहब तशरीफ़ ले आए। आप फरमाते हैं दो से ढाई घंटे की कोशिश के बाद हम बड़ी मुश्किल से साहिब मज़ार हज़रत क़ाज़ी शाह सईदुद्दीन फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुजूम से बाहर ला पाए और आपका विसाल 1:59 के अंदर आपका विसाल हुआ। आपका मज़ार मुबारक
ये पापोश नगर कब्रिस्तान के अंदर है, जो हर ख़ास आम के लिए एक मर्जाए खलाइक है। आपके मुर्शिद जो हैं हज़रत नूर मोहम्मद महबूब कलंदर नावावली, आप भी अपने वक्त के मुफ्ती और बेइंतहा बुलंद बुज़ुर्ग हैं आप, और आपके खुलफा इंडिया में भी और दुनिया के दिगर ममालिक और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में आप तशरीफ़ लाए, दीन की इशात का काम किया, और आपके पीर भाइयों का आलम भी यही था, जो दादा मियाँ का इंतहाई सादगी इनकिसारी का आलम था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनके दरबार से जुड़ा रखे, यहाँ की खिदमत करने की हमें तौफीक अता करें।